नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मसाला किचन में बन रहा है सीजनल गाजर से गाजर का हलवा। और हाँ, इस गाजर के हलवे में खास क्या है, क्योंकि गाजर का हलवा तो हम रोज ही बनाते हैं, इसमें बहुत कुछ खास है। आप देखते जाइए इस वीडियो को। ना तो मैंने इसमें घंटों दूध से बनाया है जो काढ़ काढ़ के हम बनाते हैं, ना ही मैंने मावा यूज़ किया है, फिर भी इसका दानेदार मावे जैसा लुक आया है। आखिर क्यों, कैसे बनाया है? ना ही मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। चलिए चलते हैं इसे बनाने के लिए। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें, ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। सबसे पहले गाजर को ऐसी चुनिए जो लाल रंग की हो। वैसे इस समय मार्केट में हर जगह लाल गाजर आ गई हैं, ये बहुत फ़ायदा करती हैं, हमें खानी चाहिए, बनाना चाहिए इसका हलवा। और ये बहुत ही आराम से बन जाएगा, बहुत ही सरल है, टाइम भी बहुत बचेगा आपका। तो सबसे पहले गाजर को अच्छे से धो के पोंछ के उसे छील लीजिए। छीलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गाजर के बाहर जो ऊपर काफ़ी रोएं होते हैं। अब हम इन गाजर को घिस लेते हैं। ऐसे बिना घिसे गाजर भी मैंने हलवा बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपके पास डाल दूंगी। तो लीजिए, गाजर को मैंने घिस के अलग से रख लिया है। अब मैं इसे सिर्फ 2 टेबलस्पून घी से बनाऊंगी। यहाँ ले रही हूँ एक मोटे तले का बर्तन। मेरे कई व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं ये कौन से बर्तन में आप हलवे बनाते हो। ये नॉर्मल बर्तन है, ये नॉनस्टिक नहीं है, ये प्रेस्टीज का हार्ड एनालाइज्ड है। ये काफ़ी मोटा है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, और हांडी टाइप है। तो यहाँ मैंने डाला 2 छोटे चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून घी। अब इसमें घिसी हुई गाजर डाल रही हूँ। ये तरीका आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि बनाना भी इसे बहुत आसान है। अब इसे घी में हमें थोड़ा सा भूनना है। आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके का गाजर का हलवा बन रहा है, क्योंकि इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है बिना कलर डाले, और मेहनत भी कम और वही दानेदार बन रहा है। इसको कम से कम 5 मिनट तक आप गाजर को भूनते रहिए। फ्लेम को आप मीडियम रखिए, जिससे गाजर में काफ़ी सारा जो पानी होता है वो भी सूखता जाएगा और गाजर का कलर और लाल रंग होता चला जाएगा। एक बार आप 2 टेबलस्पून घी से गाजर का हलवा बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसकी फ्लेम देख लीजिए, मीडियम मैंने कर ली है इसकी फ्लेम। यहाँ देखिए, 2 छोटे चम्मच घी मैं फिर से डाल रही हूँ, मतलब 2 टेबलस्पून घी मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ। बाकी सारे हलवे काफ़ी सारे घी से बनते हैं, लेकिन गाजर का हलवा ऐसा होता है बहुत ही कम घी में बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए, गाजर को भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, 4-5 मिनट हमें और भूनना है। तो इसे मैं रखती हूँ दूसरे गैस पर, धीरे धीरे पकता रहेगा। तब तक मैं लाती हूँ दूध। ये देखिए, दूध के पतीले को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपने लिखा है कि दूध तो हमने यूज़ नहीं किया। हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि दूध में जो हम गाजर को पकाते हैं तो उसमें टाइम हमारा बहुत जाता है, और जितनी गाजर होती है उतना ही हमें दूध लेना होता है। अब दूध में जब पकने के बाद उसका कलर भी काफ़ी डल हो जाता है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 1/2 लीटर दूध लिया है। उस दूध को मैंने थोड़ी देर से उबलने के लिए रख दिया था। अब ये दूध अच्छा गाढ़ा हो गया है, फुल क्रीम दूध भी था। अब मैं यहाँ पर पानी और सिरके से दूध को फाड़ रही हूँ। लग रहा है ना बहुत नई सी बात? हाँ, जैसे हम कई बार दूध को फाड़ते हैं उसी तरीके से मैं इसको फाड़ रही हूँ। और मैंने इसको इसलिए ज़्यादा पका लिया था जिससे हमारा पानी कम वेस्ट हो, जितना ज़्यादा हो सके इसमें से छेना बन जाए। और हाँ, ये पनीर को फाड़ना, छेने को फाड़ना, ये मेहनत भी नहीं करना चाहें तो बस मार्केट से बना हुआ पनीर ले लीजिए, 100 से 125 ग्राम, उसको हाथों से क्रम्बल करके उसे डाल दीजिए। ये देखिए, दूध फट चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। अब ये हमारा 1/2 लीटर दूध से बहुत ही बढ़िया छेना निकल आया है।
इसे हम एक छन्नी में रख देते हैं। पानी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारा पानी सिरके के साथ इसमें डाला था, और भी काफ़ी सारे पानी से हमें इसको धोना है जिससे ये छेना बिल्कुल भी खट्टा ना हो। आपकी मर्जी, आप इसके लिए 1 लीटर दूध भी ले सकते हैं, पर मैंने इसके लिए 1/2 लीटर ही दूध लिया है। अब हम इस छन्नी को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। अभी यहाँ देखिए, गाजर 5 मिनट और पक चुकी हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 किलो गाजर में 200 से 250 ग्राम चीनी डलती है, तो मैं इसे 250 ग्राम एक साथ चीनी नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालूंगी। ऐसा करने से होगा ये कि चीनी थोड़ी थोड़ी डलेगी और वो पकेगी और गाजर का कलर और बढ़िया लाल होता चला जाएगा। 2 से 3 बार मैं चीनी डाल कर इसे और पकाऊंगी। शादियों में बनने वाला जो हैवी सा गाजर का हलवा होता है, अगर आपको वो सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। मुझे कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, गाजर का कलर बहुत ही बढ़िया निकल रहा है। देखते ही देखते बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई है गाजर। अब इसमें जो छेना हमने बना के रखा है वो डाल दीजिए। अब इसे मिक्स कीजिए, ये दानेदार हलवा तैयार हो जाएगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आपने कई बार बनाया होगा दूध से, मावे से, मिल्क पाउडर से, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। छेना होता है तो छेने में काफ़ी सारे दाने होते हैं, और हमने इसे दानेदार बनाना है, लाल रंग का बनाना है, वो भी बिना मावे के। और जब हम दूध के साथ बनाते हैं, बहुत देर दूध के साथ गाजर जब पक जाती हैं तो काफ़ी कलर लाइट हो जाता है। ऐसे में हमें कई बार लगता है कि इसमें थोड़ा कलर डालना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ना तो मुझे कलर डालने की ज़रूरत लग रही है, ना ही मुझे कुछ और लग रहा है। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन जब तक ये पूरा सूखे नहीं तब तक हमें थोड़ा सा और पकाना है। अभी हाल ही में आपने देखा था मूँग दाल हलवा, वो भी बहुत ही सरल है बनाना, उसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट करके बताइए कि आपको वो कैसी रेसिपी लगी। यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट की कतरन डाल रही हूँ। पर यकीन मानिए, ये हलवा ड्राई फ्रूट का मोहताज नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ देखिए, पानी बिल्कुल सूख चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी तरीके से हमें गाजर का हलवा चाहिए। लीजिए, गैस बंद कर देते हैं। बहुत ही कम घी में हमने गाजर का हलवा बनाकर तैयार किया है। सिर्फ 2 टेबलस्पून घी लीजिए और गाजर इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने मावा नहीं डाला है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी? थोड़ा टाइम पहले मैंने लौकी का हलवा भी इसी तरीके से बनाया था, वो आपको पसंद भी आया है। तो इस तरीके से ये सीज़न है, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।